द करेज टू बी डिसलाइक्ड। दुनिया बड़ी सिंपल है, यहाँ हर कोई खुश रह सकता है, लेकिन अगर आपने ठान रखा है कि दुखी रहना है तो दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करते रहो, गारंटी है कि हमेशा दुखी रहोगे। आप हमारी इस बात से एग्री करते हो या नहीं? क्या लाइफ वाकई में इतनी सिंपल है कि हम जैसी मर्जी हो उसे वैसे जी सकें? जाने माने साइकोलॉजिस्ट एल्फ्रेड एडल इस बात पर पूरे यकीन के साथ विश्वास करते हैं कि खुश रहना वाकई में बड़ा आसान काम है, और इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने कुछ बिलीव्स बनाए हैं। खुश रहना है तो अपने बीते हुए कल को भूलकर आगे बढ़ो। कई बार हम अपने आसपास रहने वालों की वजह से भी दुखी रहते हैं, लेकिन अगर खुश रहना है तो खुद को प्रायोरिटी देना शुरू करो। आप शायद उनकी बातों से सहमत नहीं होंगे, पर कई लोग इन बातों को मानते हैं। लेकिन एक चीज तो पक्की है, ज्यादातर लोग जो एडलर की टीचिंग से सहमत है वो वाकई में औरों के मुकाबले अपनी लाइफ में ज्यादा खुश है। तो आइए सुनते हैं ये समरी और देखते हैं कि ये आप पर भी अप्लाई होता है या नहीं। दिनाई ट्रॉमा। एक छोटे से शहर में एक नौजवान रहा करता था जो लगभग 20 साल का होगा। जैसा कि इस उम्र में लोग अक्सर क्यूरियस नेचर के होते हैं, तो उस लड़के के मन में भी कई तरह के सवाल उठा करते थे। शहर के आखिरी छोर पर एक फिलोसफर भी रहा करता था जो अपने ज्ञान और नॉलेज के लिए दूर दूर तक मशहूर था। लेकिन उसकी सबसे फेमस टीचिंग थी वो ये थी कि उसे इस बात पर पूरा भरोसा था कि जिंदगी बहुत ही सिंपल और आसान है, और उसकी यही बात उस नौजवान को बड़ा हैरान कर देती थी। ये दुनिया भला सिंपल कैसे हो सकती है जहां इतनी परेशानियां, इतनी मुश्किलें हैं? ड्रग्स, जंग, भूखमरी, गरीबी और पॉलिटिकल झगड़े जैसे मुद्दे सिंपल कैसे हो सकते हैं? कहीं ये फिलोसफर पागल तो नहीं हो गया? उस फिलोसफर ने ऐसी कई और बातें कही थी जो उस नौजवान को एकदम झूठ लगती थी। तो एक दिन अपने डाउट को क्लियर करने वो उस फिलोसफर के पास गया और उसे चैलेंज किया कि उसके सारे बिलीफ्स या बातें सरासर गलत हैं। उसकी बात सुनकर फिलोसफर जरा भी नाराज नहीं हुआ, बल्कि उसने उस लड़के का बड़ी गमजोशी से स्वागत किया। वो इस बात से भी बड़ा इम्प्रेस हुआ कि वो नौजवान उसकी बातों से सहमत नहीं था और अपने खुद के नजरिए से सोचता था। फिलोसफर ने उसे अपने घर में इन्वाइट करते हुए अंदर बुलाया और उससे बातचीत शुरू की। उसने नौजवान को बताया कि उसके सारे बिलीफ्स एल्फ्रेड एडलर की थ्योरी पर बेस्ड है। एल्फ्रेड एडलर एक साइकोलॉजिस्ट थे जो पावर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी पर काफी जोर दिया करते थे, यानी सिंपल वर्ड्स में कहें तो इंडिविजुअल साइकोलॉजी यानी ये पता लगाना कि इंसान को अपनी वेलबींग या खैरियत के लिए क्या करना चाहिए। फिलोसफर की बातों से नौजवान अब थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि ये इंडिविजुअल साइकोलॉजी का क्या मतलब है। उसने इस बारे में जब कुछ और सवाल किए तो उसे इंडिविजुअल साइकोलॉजी का मतलब समझ आया। सबसे पहले तो नौजवान ने फिलोसफर को चैलेंज किया कि वो चेंज यानी लाइफ में बदलाव को लेकर अपना नजरिया समझाए। क्या फिलोसफर ये मानता है कि लोग अपनी लाइफ में बदलाव ला सकते हैं या खुद बदल सकते हैं? असल में वो लड़का खुद अपनी लाइफ में चेंज चाहता था। उसे खुद इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। उसे हमेशा यही लगा कि वो दूसरों जितना स्मार्ट नहीं है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी जीरो था और अपनी इन कमियों को वो चाहकर भी दूर नहीं कर पा रहा था। उसके दोस्त को उसे परेशान करते ही थे, साथ ही उसके पेरेंट्स ने भी कभी उसे सपोर्ट नहीं किया। बचपन से ही उसके मन में जो इनसिक्योरिटी बैठ गई थी उसका असर उसके आज पर पड़ रहा था। फिलोसफर ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, हाँ, अगर लोग चाहें तो बदल सकते हैं। आपका पास्ट मैटर नहीं करता क्योंकि वो पास्ट था, लेकिन आपका फोकस प्रेजेंट पर होना चाहिए। नौजवान ने इस बात पर भी असहमति जताते हुए इस बात को खारिज कर दिया। उसने पूछा, अगर पास्ट मैटर ही नहीं करता तो क्या इसका मतलब है कि बीते हुए कल के दुख या तकलीफें भी झूठे होते हैं? तब फिलिप्स ने समझाया कि वो ट्रोमा यानी सदमा या किसी जख्म पर यकीन ही नहीं करते, और एल्फ्रेड एडलर के भी यही विचार है। एक और फेमस साइकोलॉजिस्ट हुए थे सिगमंड फ्रायड। अक्सर वो अपनी थ्योरी में ट्रोमा का जिक्र किया करते थे। फ्रायड का मानना था कि इंसान के आज के दुखों की वजह उसके पास्ट के ट्रोमा ही है, लेकिन एडलर इस बात से एग्री नहीं करते। उनका मानना है कि किसी इंसान के सक्सेसफुल या फेल होने का उसके पास्ट एक्सपीरियंस से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उन एक्सपीरियंस से आपने क्या सीखा ये ज्यादा मायने रखता है। दूसरे शब्दों में कहे तो आपके साथ क्या हुआ ये मतलब नहीं करता, बल्कि आपने कैसे सिचुएशन हैंडल की ये बात मायने रखती है और आपको पर्सनैलिटी को शेप देती है। जो कुछ आप उन एक्सपीरियंस से सीखते हो वही सीख लाइफ में आपको गाइड करती है। तो ये थ्योरी या बिलीफ इस बात को प्रूव करती है कि आपकी पर्सनैलिटी आपके एक्सपीरियंस की देन नहीं है। आप चाहे तो आज और अभी से अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथों में ले सकते हो। आप ये डिसाइड करोगे कि आपको कैसे जीना है। ऑल प्रॉब्लम्स आर इन पर्सनल प्रॉब्लम्स।
उस लड़के को फिलिस की बातों पर अभी भी यकीन नहीं था। उसने डिसाइड किया कि वो उससे लोगों और चेंज के बारे में कुछ और सवाल करेगा। अगर लोग बदल सकते हैं, तो ऐसा क्या है जो उन्हें बदलने से रोकता है? अगर वो लड़का अपने पास्ट की बातों को भूल जाए तो क्या होगा? क्या होगा अगर वो अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट पर हावी ना होने दे? हाँ, ये सच है कि अपनी कमियों को दूर करने में वक्त लगता है और ये उतना भी इजी नहीं है जितना हमें लगता है। तो फिलिस ने कहा कि उस नौजवान ने अपने लिए एक गोल सेट कर दिया था और ये गोल था खुद को डिसलाइक यानी नापसंद करना। वो लड़का हैरान रह गया, उसने तो ऐसा कोई गोल कभी नहीं बनाया था। फिलोसफर मुस्कुराने लगा। उसने लड़के से पूछा, तुम्हें अपने बारे में क्या पंसद नहीं है? तो लड़के ने बताया कि उसके अंदर ऐसी कई छोटी मोटी कमियां हैं जिनसे वो छुटकारा पाना चाहता है। जैसे कि वो नेगेटिव सोचता है, वो जल्दी हार मान जाता है, वो लोगों पर आसानी से भरोसा नहीं कर पाता। उसे ये भी लगता था कि वो देखने में कोई खास अट्रैक्टिव नहीं है, यानी उसे अपनी पर्सनैलिटी पसंद नहीं थी। फिलोसफर ध्यान से उसकी बातें सुनता रहा। उसे भी लड़के की बातों में सच्चाई नजर आई, उसके अंदर वाकई में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी। फिलोसफर ने उससे कुछ और सवाल पूछे। उसने पूछा, तुम खुद को इस नजरिए से क्यों देखते हो? तो लड़के ने कहा, वो बचपन से ऐसा ही है, वो कमजोर है, वो कभी भी दूसरों के आगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पाता। लेकिन फिलोसफर ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम गलत बोल रहे हो, तुमने पहले ही सोच रखा है कि तुम्हारे अंदर कमी है। जब तुम खुद को ही पसंद नहीं करते तो औरों से क्या उम्मीद करते हो? इसलिए तुम लोगों से दूर दूर रहने की कोशिश करते हो। अगर तुम खुद को ही पसंद नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? फिलोसफर ने पॉइंट आउट किया कि तुमने आज तक सिर्फ अपनी कमजोरियों पर फोकस किया है, इसलिए शायद तुम खुद को उतना पसंद नहीं करते। वो लड़का ऐसा इसलिए सोचता था क्योंकि वो डरता था कि कहीं लोग उसे रिजेक्ट ना कर दे। उसे रिजेक्शन से काफी डर लगता था। इससे पहले कि दूसरे उसे रिजेक्ट करे, उसने खुद को ही रिजेक्ट कर दिया था। वो सबसे अलग थलग रहने लगा था। उसने सोचा, ऐसा करके वो खुद को हर्ट होने से बचा लेगा, ना वो लोगों से मिलेगा ना वो हर्ट होगा। हालांकि वो दिल ही दिल में चाहता था कि लोग उसे प्यार करे, उसे रिस्पेक्ट दे, पर वो कभी हिम्मत ही नहीं कर पाया कि लोगों से मेल जोल रखे। उसके लिए अकेला रहना ज्यादा इजी चॉइस थी। उसे लगता था कि लोग उसे पसंद तो नहीं करेंगे, पर हाँ, नापसंद जरूर कर सकते हैं। फिलोसफर ने कहा कि आप जब दूसरों के साथ रिश्ता बनाते हो तो कभी ना कभी हर्ट भी होते हो। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर रिश्ता परफेक्ट हो, और अगर तुम हर्ट नहीं होना चाहते तो तुम्हें पूरी लाइफ अकेले काटनी पड़ेगी, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी अकेले लाइफ नहीं गुजार सकता। एडलेरियन साइकोलॉजी में आपकी हर प्रॉब्लम के पीछे इंटरपर्सनल प्रॉब्लम है, यानी आपकी हर प्रॉब्लम में दूसरे लोग भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। लेकिन अगर आप दुनिया में अकेले रहते हो तो फिर ठीक है, फिर तो आपकी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। उस लड़के को ये कांसेप्ट बड़ा इलॉजिकल और अजीब लगा। जो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, यानी आपकी इंटरनल प्रॉब्लम, क्या वाकई में वो इंटरपर्सनल प्रॉब्लम है? फिलोसफर ने उसे खुद का एग्जांपल दिया। किसी जमाने में वो अपनी हाइट को लेकर काफी इनसिक्योर हुआ करता था। वो छोटा था और लोग हमेशा इस बात को पॉइंट आउट करने से नहीं चूकते थे, जिस वजह से फिलोसफर को हमेशा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील होता था। आपकी बाकी इनसिक्योरिटीज की तरह आपके अंदर जो फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी है, वो इसलिए है क्योंकि आप उसे वैल्यू देते हो। इसे सिंपल तरीके से कहें तो ये आपकी सब्जेक्टिव यानी खुद की फीलिंग्स है। लेकिन सवाल ये है कि ये फीलिंग्स आई कहां से? तो जवाब है कि हमारे अंदर ये फीलिंग खुद को दूसरों से कंपेयर करने से आती है। फिलोसफर को बाकी लोगों और उनकी हाइट से कोई लेना देना नहीं था। उसे कभी ये सोचकर बुरा नहीं लगा कि वो कद में छोटा है। आपकी सब्जेक्टिव फीलिंग्स की वजह से आपको या तो अच्छा लगेगा या फिर बुरा। अपनी कम हाइट को लेकर फिलोसफर की सब्जेक्टिव फीलिंग उसे हमेशा इनसिक्योर फील कराती थी। पर उसके एक फ्रेंड ने उसे बताया कि वो अपनी शॉर्ट हाइट की वजह से फ्रेंडली और भरोसेमंद लगता है, और ये बात उस फ्रेंड ने अपनी सब्जेक्टिव फीलिंग यानी खुद की फीलिंग या सोच की वजह से कही थी। यही बात फिलोसफर को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए काफी थी। सब्जेक्टिविटी का एक फायदा भी है, ये आप पर है कि आप इसे कैसे हैंडल करते हैं। जो बात आपको अपने बारे में इन्फीरियर लगती है, आप उसे पॉजिटिव तरीके से लेते हो या नेगेटिव, ये आपके ऊपर है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी इन्फीरियरिटी को एक सब्जेक्टिव मैटर समझकर इन्फीरियरिटी समझना बंद कर दो। आप कैसा फील करते हो, ये पूरी तरह से आपकी चॉइस है। डिस्कार्ड अदर पीपल्स डस्ट।
फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी के अलावा एक और प्रॉब्लम है जो इंटरपर्सनल प्रॉब्लम की वजह से आपके साथ होती है, और वो ये कि ये आपसे आपकी फ्रीडम छीन लेती है। इंटरपर्सनल प्रॉब्लम को सोल्व करने का एक तरीका ये है कि आप लोगों को अपना दुश्मन समझने के बजाय उन्हें दोस्त समझो। फिलोसफर का मानना था कि वो नौजवान अगर ऐसी सोच रखता है तो उसके अंदर इंफीरियरिटी की फीलिंग खुद ही कम होती चली जाएगी, क्योंकि दोस्त बनाने से इंसान के अंदर बॉन्डिंग यानी जुड़ाव की फीलिंग आती है। बेशक ये अप्रोच आपकी हर प्रॉब्लम का इलाज नहीं है, पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम से छुटकारा पाने का रास्ता जरूर सुझाएगा। हालांकि उस नौजवान ने इस सॉल्यूशन के जवाब में अपने केस का एग्जांपल दिया, जहां उसके घर में उसके पेरेंट्स हमेशा उसकी हर जरूरत पूरी करते रहे। उन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया और उसे हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद वो लड़का उन्हें अपने दोस्त की नजर से नहीं देख पाता था। उसके लिए तो वो हमेशा उसके पेरेंट्स ही रहेंगे। उसके पेरेंट्स हमेशा उसकी तुलना उन लड़कों से करते रहे जो उसकी उम्र के थे। वो उसे हर बात पर क्रिटिसाइज करते थे। उन्हें शिकायत थी कि वो अपनी उम्र के बाकी लड़कों से हर बात में पीछे क्यों है। उस नौजवान को लगता है कि उसके पेरेंट्स की वजह से ही उसके अंदर सेल्फ एस्टीम की कमी है। अपनी पूरी लाइफ वो लड़का अपने पेरेंट्स को खुश रखने, उन्हें इम्प्रेस करने में लगा रहा, हालांकि ये खुद उसकी चॉइस नहीं थी। उसने जब अपनी मर्जी से कॉलेज में कोर्स चूज किया तो वो भी उन्हें पसंद नहीं आया, इसलिए उसे मन मारकर उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ा जो उसके पेरेंट्स को पसंद था। ये सब काफी कॉम्प्लिकेटेड था। इस बात से वो लड़का दुखी तो नहीं हुआ था, पर वो खुश भी नहीं था। शायद आप में से कई लोगों की कहानी इस लड़के जैसी होगी। हो सकता है आपके पेरेंट्स भी आप पर प्रेशर डालते रहे होंगे, लेकिन आप हैं कि उन्हें इम्प्रेस करने में लगे हुए हैं। आप उन्हें कुछ बनकर दिखाना चाहते हो, उनकी नजरों में अपनी एक पहचान बनाना चाहते हो कि वो आपसे खुश हो जाएं, लेकिन एडलेरियन साइकोलॉजी इस बात से जरा भी सहमत नहीं है। वो इसे नकारती है। फिलोसफर इस बात से पूरी तरह सहमत है कि अपनी तारीफ सुनना और अपनी पहचान बनाना हर किसी को अच्छा लगता है। लोग जब हमारे बारे में कुछ अच्छा बोलते हैं तो हमें बेहद खुशी होती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारा मकसद सिर्फ तारीफ बटोरना है। वो उस नौजवान से पूछता है कि उसे लाइफ में किस चीज की तलाश है, तो लड़के ने बताया सिंपल सी बात है, उसे अपनी एक पहचान बनानी है, क्योंकि पहचान आपको वैल्यूएबल फील कराती है और आपको इन्फीरियर होने की फीलिंग से भी बचाती है। लेकिन एल्फ्रेड एडलर इसे सही नहीं मानते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि हमारी सोसाइटी ने हमेशा रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट एजुकेशन पर फोकस किया है। अगर आपने कुछ अच्छा किया तो आपको तारीफ मिलेगी, और अगर कुछ बुरा किया तो सजा मिलेगी, लेकिन ये मेंटालिटी एकदम गलत है। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो पर कोई तारीफ नहीं कर रहा तो क्या आप अच्छा काम करना छोड़ दोगे? ठीक इसी तरह पनिशमेंट में भी यही बात लागू होती है। अगर कोई आपको पनिश नहीं कर रहा है तो क्या आप बुरा काम करते रहोगे? फिलोसफर का मानना है कि हमें दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से नहीं जीना है। तो नौजवान ने बहस करते हुए कहा कि ये तो जिंदगी जीने का बेहद सेल्फिश तरीका होगा। क्या इंसान को सिर्फ खुद के बारे में सोचना चाहिए? फिलोसफर ने उसे जूदेज्म की एक टीचिंग के बारे में बताया। वो ये है कि अगर आप दूसरों के हिसाब से जीवन बिताते हो तो आप अपनी नहीं बल्कि उनकी जिंदगी जी रहे हो। आप उनकी वजह से जी रहे हो, तो अगर आप उनके लिए जी रहे हो तो आपकी लाइफ कौन जिएगा? आपकी खुद की अपनी लाइफ है जो आपको अपनी सिर्फ एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जीनी है। आप पूरी लाइफ दूसरों की जरूरतों को पूरा करने में बिताते हो तो भी अंत में लोग खुश नहीं होते, और इस तरह आप भी हमेशा दुखी रहते हो। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी पूरी लाइफ इसी तरह बर्बाद हो जाती है? खुद के बारे में सोचना कोई गुनाह नहीं है, आप सेल्फिश नहीं है, बल्कि एडलेरियन साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे सेपरेशन ऑफ टास्क कहा जाता है, यानी दूसरों को ध्यान में रखते हुए अपने हिसाब से जिंदगी जीना। मान लो एक बच्चा है जिसे पढ़ाई में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। वो ना तो अपना होमवर्क करता है और ना टीचर्स की बात मानता है। जाहिर सी बात है कि उसके पेरेंट्स परेशान होंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि उनका बच्चा पढ़ाई की तरह ध्यान दे। लेकिन एडलेरियन साइकोलॉजी में इस प्रॉब्लम को एक अलग नजरिए से देखा जाता है। पढ़ाई में अच्छे ग्रेड्स लाने का टास्क या जिम्मेदारी किसकी बनती है? उस बच्चे की या उसके पेरेंट्स की? तो फिलोसफर जवाब देते हैं कि ये टास्क सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे का है। अगर बच्चे के पेरेंट्स उसे पढ़ने को कह रहे हैं तो वहाँ कोई सेपरेशन ऑफ टास्क नहीं है, यानी उनके बीच इस बात को लेकर बहस होने के चांसेस ज्यादा है। तो एडलर की सेपरेशन ऑफ टास्क का मतलब है कि हमें दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, बस इतनी सी ही बात है।
एक और तरीका है ये जानने का कि ये टास्क आपका है या किसी और का। अगर टास्क पूरा हो गया है तो पूरे टास्क का रिजल्ट किसे मिलेगा। ऊपर दिए एग्जाम्पल में बच्चे को रिजल्ट मिलेगा। अगर वो क्लास में पीछे रहा तो भी उसे ही दोष दिया जाएगा। अगर पेरेंट्स इस टास्क में शामिल होते हैं तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। बच्चे को इन्फीरियर फील होगा और वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपने पेरेंट्स की मर्जी से जीने के लिए मजबूर हो जाएगा। उस नौजवान को ये बातें बेहद अजीब और बेतुकी लग रही थी। पेरेंट्स जानते थे कि बच्चे को क्या करना है, पर गार्जियन होने के नाते उनका फर्ज बनता है कि वो बच्चे को गाइड करे। कोई भी बच्चा अपनी खुशी से पढ़ाई नहीं करता, लेकिन फिलोसफर के पास इसका भी जवाब है। पेरेंट्स बोल सकते हैं कि बच्चे को डांट डपट कर पढ़ाई के लिए बैठाना उसके भले की बात है, लेकिन पेरेंट्स को अपने गोल्स भी तो पूरे करने हैं। पेरेंट्स कभी ये नहीं चाहेंगे कि सोसाइटी ये सोचे कि वो अपने बच्चे को नजरअंदाज करते हैं, बल्कि उल्टा कई पेरेंट्स अपने बच्चों पर अपनी सारी इच्छाएं लाद देते हैं और उन्हें सोसाइटी में किसी ट्रॉफी की तरह पेश करते हैं। इस पर नौजवान और भी हैरान हुआ। तो क्या पेरेंट्स को अपने बच्चों की लाइफ में इंटरव्यू यानी दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए? बच्चे को जो भी बनना है उसे बनने देना चाहिए। क्या उन्हें अपने बच्चों की एजुकेशन की फिक्र नहीं होनी चाहिए? फिलोसफर ने नौजवान से कहा, ध्यान से सुनो, हम टास्क के सेपरेशन की चर्चा कर रहे हैं। जो बच्चों का काम है उन्हें करने दो, उसमें पेरेंट्स को दखल नहीं देना चाहिए। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि हमें बच्चों की हेल्प नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनका जो काम है उन्हें खुद करने दो। जैसे उन्हें बोलो कि पढ़ने की जिम्मेदारी या टास्क उनका है। अगर बच्चा वाकई में दिल लगाकर पढ़ता है और उसे कुछ हेल्प चाहिए, तब पेरेंट्स को उसकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन उन्हें बच्चे और उसके टास्क के बीच दखल अंदाजी नहीं करनी है। ये सेम उसी तरह है जैसे काउंसलिंग को लेकर एडलेरियन साइकोलॉजी की अप्रोच होती है। एडलेरियन साइकोलॉजी अपने क्लाइंट की लाइफ को चेंज करना अपना टास्क नहीं समझता, बल्कि वो क्लाइंट के ऊपर छोड़ देता है कि उसे खुद को चेंज करना है या नहीं। काउंसलर सिर्फ उसे हेल्प करता है, क्योंकि आप तब तक लोगों को चेंज नहीं कर सकते जब तक कि वो खुद चेंज ना होना चाहे। वेयर द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड इज। नौजवान की बातों ने फिलोसफर के मन में एक क्यूरियोसिटी पैदा कर दी थी। कैसे नौजवान ने फौरन ये बोल दिया था कि एडलेरियन साइकोलॉजी के ज्यादातर कॉन्सेप्ट उसे एकदम सेल्फिश लगे थे। फिलोसफर उसके मन के हर डाउट को क्लियर करना चाहता था, तो उसने नौजवान से पूछा कि उसके हिसाब से सेल्फिश इंसान की निशानी क्या है। हैरानी की कोई बात नहीं थी कि नौजवान सेल्फिश होने को नेगेटिव तरीके से लेता था। उसे लगता था कि एक सेल्फिश इंसान अपनी मनमानी करता है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। उसे बस इस बात से मतलब होता है कि उसका फायदा किस चीज में है, उसे औरों के दुख और तकलीफ से कोई लेना देना नहीं होता। फिर फिलोसफर ने समझाया कि जो लोग हद से ज्यादा सेल्फिश होते हैं उन्हें टास्क के सेपरेशन में भी प्रॉब्लम होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे लोग तारीफ के भूखे होते हैं। चाहे वो नौजवान खुद को सेल्फिश न माने, चाहे वो इस बात का ध्यान रखे कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो भी सब कुछ उसके खुद के नजरिए पर डिपेंड करेगा, क्योंकि वो हमेशा दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू की फिक्र करेगा और यही सोचता रहेगा कि लोग क्या कहेंगे, उनका रिएक्शन क्या होगा। यानी वो हमेशा दूसरों के नजरिए के बारे में ही सोचता रहेगा। क्या आपको पता है इस बात की क्या निशानी है कि आप नाम और तारीफ के भूखे नहीं हैं? जब लोग आपको नापसंद करते हो और आप उनकी उम्मीदों को पूरा करने की टेंशन नहीं लेते, आप बस वही करते हो जो आपका काम है, जो आपको करना चाहिए। इसी वजह से लोग आपको पसंद नहीं करते, यानी आप एकदम आजाद पंछी की तरह हो, आप किसी और की उम्मीदों पर खरे उतरने के लिए नहीं जी रहे। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, यू आर नॉट द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया आपके इर्द गिर्द नहीं घूमती। आप शायद खुद को लाइफ का हीरो समझ रहे होंगे, एक आइडियल हीरो जो सबका ध्यान रखता है, सबका भला करता है। हम सबको कभी ना कभी लाइफ में ये चीज फील होती है, लेकिन हम अकेले सबकी लाइफ के हीरो नहीं बन सकते। हम बस अपनी लाइफ के हीरो है। हम सिर्फ एक कम्युनिटी के मेंबर है, एक बड़े से ग्रुप का एक हिस्सा भर है। लोग आपके लिए नहीं जी रहे, तो आप भी उनके लिए जीना छोड़ दो। लोगों की आपसे जो उम्मीदें हैं, आप उसे नजरअंदाज करना तो सीख गए होंगे, पर आपको एक और चीज सीखनी है कि आप भी लोगों से उम्मीद मत करो। क्या होता है जब आप उम्मीदें रखते हो? आप अपने ही ख्यालों के जाल में फंस जाते हो। आपको लगता है लोग आपकी इंसल्ट कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप खुद को हद से ज्यादा अहमियत देने लगते हो। आपको लगता है ये दुनिया आपके इर्द गिर्द ही घूम रही है। इससे आप सेल्फिश तरीके से सोचने लगते हो।
इस नजरिए से जब आप किसी को देखोगे तो कहोगे, ये आदमी मुझे क्या देगा, इससे मुझे क्या फायदा होगा। ये सब चीजें आपको बेहद सेल्फिश बना देती है। इसके बजाय जब आप किसी से मिले तो कहें, मैंने इस इंसान को क्या दिया है, मैंने इसका क्या भला किया है। इस तरह की थिंकिंग डेवलप करने से आप कम्युनिटी का भला कर सकते हो, लोगों के काम आ सकते हो। एडलेरियन साइकोलॉजी के अनुसार अपनी कम्युनिटी के साथ जुड़कर ही आप खुद की पहचान बना सकते हो, अपने लिए एक फाउंडेशन तैयार कर सकते हो। आपकी कम्युनिटी ग्रो करेगी तो आप भी ग्रो करोगे। इंसान दुनिया में अकेला नहीं है, बल्कि उन बूंदों की तरह है जिनसे मिलकर समुद्र बनता है। जब हम कम्युनिटी शब्द सुनते हैं तो हमें अपने पास पड़ोस का ख्याल आता है। किसी हद तक ये बात सही भी है, क्योंकि हम कम्युनिटी को ही पूरी सोसाइटी समझ लेते हैं, और वो नौजवान भी कुछ ऐसा ही सोचता था। लेकिन फिलिप्स ने उसे करेक्ट करते हुए कहा, हाँ, बेशक सोसाइटी भी कम्युनिटी ही है, लेकिन साथ ही जिन चीजों से आप जुड़े हो वो भी एक तरह से कम्युनिटी होती है। जैसे कि आपका ऑफिस जहाँ आप जॉब करते हो, आपका स्कूल या कॉलेज जहाँ आप पढ़ते हो, या आपका मोहल्ला जहाँ आप रहते हो, सब जगह छोटी छोटी कम्युनिटी है जिनसे हम जुड़े हुए हैं। एडलेरियन साइकोलॉजी में जगह भी कम्युनिटी ही मानी जाती है, क्योंकि आप उन जगहों से कनेक्टेड फील करते हो। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब लोग किसी एक कम्युनिटी पर ही ज्यादा फोकस करने लगते हैं। वो उस पर इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं कि उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते, और सारी प्रॉब्लम की जड़ असल में यही है। मान लो वो नौजवान अपने स्कूल को ही अपनी कम्युनिटी मान ले तो वो सिर्फ अपने ग्रेड्स, क्लास में अपनी पोजीशन और अपनी रेपुटेशन तक ही सोचता रहेगा, यानी उसे लगेगा कि उसकी सेल्फ वर्थ सिर्फ उसके स्कूल की चार दीवारी तक सीमित है। तो जब आप खुद को किसी एक ही कम्युनिटी से बांध लेते हो तो एक बुरा अनुभव आपको जिंदगी के लिए अफेक्ट कर सकता है। जैसे मान लो उस नौजवान को कम ग्रेड्स मिले तो वो हमेशा यही सोचेगा कि वो किसी काम का नहीं है। वो अपनी वर्थ को जिंदगी भर अपने ग्रेड्स के हिसाब से देखता रहेगा। उसे लगेगा कि वो लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके कम मार्क्स आए हैं। अब जाहिर सी बात है कि इस तरह की सोच इंसान की पर्सनल डेवलपमेंट के आड़े आती है। फिलोसफर कहते हैं कि हमें ये याद रखना चाहिए कि हम सिर्फ एक कम्युनिटी के नहीं, बल्कि कई अलग अलग कम्युनिटी का हिस्सा हैं। किसी एक कम्युनिटी का पार्ट होना, जैसे कि स्कूल कम्युनिटी, हमें डिफाइन नहीं करता। ये हमारी कम्प्लीट पहचान नहीं है। एक बड़ी कम्युनिटी का पार्ट बनकर, जैसे कि आपका ऑफिस, आप अपना एक अलग नजरिया सेट कर सकते हो, और ये आपको एहसास कराएगा कि आप जब छोटी कम्युनिटी जैसे स्कूल लाइफ में थे तो बेकार ही छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेते थे। कंक्लूजन। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज जो आपने इस समरी में जानी वो ये है कि अगर आपको सच में खुश रहना है तो अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा करो कि लोगों की नफरत भी झेल सको। इस माइंडसेट के बारे में एडलेरियन साइकोलॉजी ने बहुत गहराई से लिखा है। एडलेरियन साइकोलॉजी के फाउंडर है अल्फ्रेड एडलर। दूसरी चीज जो आपने सीखी वो ये कि लोग चेंज हो सकते हैं और आपका पास्ट आपको डिफाइन नहीं करता है। जो बीत गई सो बीत गई। एडलेरियन साइकोलॉजी में ट्रॉमा जैसी कोई चीज है ही नहीं। आपके पास्ट एक्सपीरियंस आपकी करंट सिचुएशन को डिफाइन नहीं करते। जो चीज सच में आपको डिफाइन करती है वो आपका एटीट्यूड, जो तय करता है कि इन एक्सपीरियंसेस को हैंडल कैसे करें। अगर आपको खुश रहना है तो अपने आज में जीने की आदत डाल लो। तीसरी चीज, आपकी हर प्रॉब्लम के पीछे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ही मेन कारण है। जो लोग खुद को हमेशा दूसरों से कंपेयर करते हैं कभी खुश नहीं रहते। हमें लगता है कि दूसरे हमसे बेहतर है, इसलिए हम में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है। लेकिन आप खुद को कमतर इसलिए फील करते हो क्योंकि आप सिर्फ अपनी कमियों पर फोकस कर रहे हो, और इन कमियों की वजह से ही आपको लगता है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपकी फीलिंग्स सब्जेक्टिव है, यानी वो सिर्फ आपकी राय है। जो इनसिक्योरिटीज आपके मन है वो वक्त के साथ चेंज हो सकती है। जो चीज आज आपको बुरी लग रही है या आपको हर्ट फील करा रही हो, शायद उसके पीछे कोई पॉजिटिव रीजन हो। बस डिपेंड करता है कि आपका नजरिया क्या है। चौथा, आपने सीखा कि खुश रहने का एक और तरीका है कि हम नाम और फेम के पीछे ना पड़े। हाँ, सबको अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। कुछ लोग मेहनत तभी करते हैं जब उनकी तारीफ की जाए। लेकिन ये भी ठीक नहीं है कि हम सिर्फ अपनी तारीफ सुनकर मोटिवेट हो। ऐसी मोटिवेशन टेम्पररी होती है। अपनी लाइफ अपनी शर्तों पर जियो, ना कि दूसरों की सलाह पर। जो उम्मीदें आपको खुद से है उन पर पूरा उतरने की कोशिश करो। अगर आप सिर्फ दूसरों की खुशी का ख्याल रखोगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। पांचवी चीज, अपना ध्यान रखना और अपनी जरूरतों के बारे में सोचना सेल्फिश होना नहीं होता है। आप बस अपने काम को प्रायोरिटी दे रहे हो।
एडलेरियन साइकोलॉजी में टास्क को सेपरेट रखने की कोशिश की जाती है ताकि इंटरपर्सनल झगड़ों से बचा जा सके। अगर आप किसी दूसरे का काम करेंगे तो आप हमेशा उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरने की कोशिश करते रहोगे। छठी चीज, अलग अलग कम्युनिटी से जुड़े रहना आपको सेल्फिश होने से बचाता है। छोटी बड़ी किसी भी तरह की कम्युनिटी के जुड़कर आपके अंदर एक हम्बलनेस यानी नम्रता आती है। आप खुद को घमंडी और बदमिजाज होने से बचा सकते हो, क्योंकि हम जब किसी बड़े सोशल ग्रुप से जुड़ते हैं तो हमारे काम भी बड़े और अच्छे होते हैं। आज के टाइम में एंजॉय करना बहुत इजी हो गया है। लोग मजे के लिए खूब पैसा खर्च करते हैं, आए दिन पार्टनर चेंज करते हैं, पर सच तो ये है कि कोई भी पूरी तरह से खुश नहीं है। लोग नकली खुशियों के पीछे भागकर अपना वक्त और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हैं। पर एडलेरियन साइकोलॉजी आज के इस नेगेटिव वर्ल्ड में आपको पॉजिटिव वाइब देती है। ये आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकती है। ये आपको सिखाती है कि खुद के बारे में सोचना और खुद का ख्याल रखना सेल्फिश नहीं होता है। जब हम खुश रहेंगे तभी तो दूसरों को खुश रख पाएंगे। इसलिए अपनी खुशी के बारे में सोचो और वो करो जो आपको पसंद हो, क्योंकि आप लाइफ की हर खुशी डिजर्व करते हो। तो अगर आप ही खुद को खुश नहीं रखोगे तो और कौन रखेगा।